नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पटल पर। कैसे हैं आप सब? क्या आप जानते हैं साल में 2 नवरात्रि नहीं 4 नवरात्रि पड़ती है, और चारों नवरात्रियों का महत्व बहुत है सनातन धर्म में। गुप्त नवरात्रि आने वाली है। गुप्त नवरात्रि का महापर्व 19 जून से 27 जून तक चलेगा। हम सभी नित्य पूजा पाठ हवन जप करते रहते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि में हवन पूजन जाप करने का अपना अलग ही महत्व होता है। गुप्त नवरात्रि के पावन पर्व में अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए 10 महाविद्याओं का पूजन हवन अनुष्ठान किया जाता है, और उससे बड़े सारे लाभ होते हैं, जैसे शत्रुओं पर विजय, राजनीतिक विजय, लक्ष्मी प्राप्ति, संतान पुत्र प्राप्ति, तंत्र बाधा से मुक्ति, व्यापार सुरक्षा कवच, व्यापार वृद्धि, प्रेम विवाह संपन्न, कोर्ट केस में विजय, विवाह बाधा का निवारण, ऋण कर्ज मुक्ति, शारीरिक स्वास्थ्य लाभ, रोजगार की प्राप्ति। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि का क्या है महत्व। गुप्त नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण है। देवी दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि वही देवी ही इस चराचर जगत में शक्ति का संचार करती हैं। उनकी आराधना के लिए ही साल में 2 बार बड़े स्तर पर लगातार 9 दिन तक अनेक रूपों की पूजा की जाती है। 9 दिनों तक मनाए जाने वाले इस पर्व को नवरात्रि कहा जाता है। एक हिंदी वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है। 2 नवरात्रि सामान्य होती है और 2 गुप्त होती है। चैत्र और अश्विन माह में आने वाली नवरात्रि से ज़्यादा महत्व गुप्त नवरात्रि का माना जाता है। माघ नवरात्रि उत्तरी भारत में अधिक मानी जाती है, और आषाढ़ नवरात्रि मुख्य रूप से दक्षिण भारत में लोकप्रिय है। साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। यह साधना हालांकि चैत्र और शारदीय नवरात्रि से कठिन होती है, लेकिन इस साधना के परिणाम बड़े आश्चर्यचकित करने वाले होते हैं। इसीलिए तांत्रिकों के लिए नवरात्रि बहुत खास मानी जाती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में की जाने वाली साधना को गुप्त रखा जाता है। इस साधना से देवी जल्दी प्रसन्न होती है। चूंकि माँ की आराधना गुप्त रूप से की जाती है, इसीलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि भी कहा जाता है। इन 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है नवरात्रि में। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। ये 10 महाविद्याएं हैं माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूम्रावती, माँ बंगलामुखी, माँ तंगी और कमला देवी। शक्ति के 2 प्रकार हैं। कुछ चीज़ें गुप्त होती हैं तो कुछ प्रकट होती हैं। शक्ति एक आंतरिक होती है और दूसरी बाह्य होती है। आंतरिक शक्ति का संबंध सीधे तौर पर व्यक्ति के चारित्रिक गुणों से होता है। हम कहते हैं कि हम क्या हैं, ये हम खुद जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। दूसरा रूप वह है जो सबके सामने है। हम जैसे दिखाई देते हैं, जैसा करते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसे व्यवहार में दिखते हैं, वह सर्वविदित है, सर्वदृष्टिगत है। लोगों के नज़र में हमारी छवि कैसी है, लेकिन हम जो हैं, जैसे हैं, हम जानते हैं। लेकिन हमारी आंतरिक शक्ति और ऊर्जा के बारे में केवल और केवल हम ही जानते हैं। आंतरिक ऊर्जा या शक्ति को 10 रूपों में बांट सकते हैं। साधारण शब्दों में इनको धर्म, अर्थ, प्रबंधन, प्रशासन, मन, मस्तिष्क, आंतरिक शक्ति, काम स्मरण के रूप में लिया जा सकता है। हमारे लोक व्यवहार में बहुत सी बातें गुप्त होती हैं और बहुत सी लोगों के सामने होती हैं, और यही शक्तियाँ समन्वित रूप से महाविद्या कही गई हैं। गुप्त नवरात्रि 10 महाविद्या की आराधना का पर्व है। जहाँ तक पूजा की विधि का सवाल है, मान्यता अनुसार गुप्त नवरात्रि के दौरान भी पूजा अन्य नवरात्रि की ही तरह की जाती है। शारदीय और चैत्र नवरात्रि की तरह गुप्त नवरात्रि में कलश स्थापना की जाती है। 9 दिनों तक व्रत का संकल्प लेते हुए
प्रतिपदा को घट स्थापना की जाती है। प्रतिदिन सुबह शाम माँ दुर्गा की आरती की जाती है। अष्टमी नवमी के दिन कन्याओं के पूजन के साथ व्रत का उद्यापन किया जाता है। यदि आप प्रकट करना चाहें तो, नहीं तो आप गुप्त दान वगैरह भी कर सकते हैं। देवी भागवत के अनुसार जिस तरह वर्ष में चार बार नवरात्र आते हैं और जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के नौ रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में दस महाविद्याओं की आराधना की जाती है। इस दौरान देवी भगवती के साधक बड़े ही कड़े नियम और व्रत के साथ आराधना करते हैं। इस दौरान लंबी साधना कर दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। भगवान विष्णु शयन काल की अवधि के बीच में होते हैं, तब देव शक्तियां कमजोर होने लगती हैं। उस समय पृथ्वी पर रुद्र वरुण यम आदि का प्रकोप बढ़ने लगता है और इन विपत्तियों से बचाव के लिए गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। श्री दुर्गा सप्तशती में कीलकम कहा जाता है कि भगवान शंकर ने बहुत सी विद्याओं को गुप्त कर दिया। वह विद्या कौन सी है? प्रसंग सती का है। भगवान शंकर की पत्नी सती ने जिद की कि वह अपने पिता दक्ष के यहाँ अवश्य जाएंगी। प्रजापति ने यज्ञ में न सती को बुलाया था न अपने दामाद भगवान शंकर को। शंकर जी ने मना किया लेकिन सती जिद करके गईं। सती ने उस समय अपनी दस महाविद्याओं का प्रदर्शन किया। शंकर जी ने सती से पूछा, कौन है ये? सती ने बताया, ये मेरे दस रूप हैं। सामने काली है, नीले रंग की तारा है, पश्चिम में छिन्नमस्ता, बाएं भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बंगलामुखी, पूर्व दक्षिण में धूमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंगी तथा उत्तर पूर्व में षोड़शी हैं। मैं खुद भैरवी रूप में अभय दान देती हूँ। इन्हीं दस महाविद्याओं के साथ देवी भगवती ने असुरों के साथ संग्राम किया। चंडमुंड और शुम्भ के समय देवी की यही दस महाविद्या युद्ध करती रही। दस महाविद्या की आराधना अपने आंतरिक गुणों और आंतरिक शक्तियों के विकास के लिए की जाती है। यदि अकारण भय सताता हो, शत्रु परेशान करते हो, धर्म और अध्यात्म के मार्ग प्रशस्त करना हो, विद्या बुद्धि और विवेक का परस्पर समन्वय नहीं कर पाते हो, उनके लिए दस महाविद्या की पूजा विशेष लाभदायी होती है। चैत्र और शारदीय नवरात्र की तुलना में गुप्त नवरात्रि में देवी की साधना ज़्यादा कठिन होती है। इस दौरान माँ दुर्गा की आराधना गुप्त रूप से की जाती है, इसीलिए इन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। इस नवरात्र में मानसिक पूजा का महत्व है। वाचन गुप्त होता है लेकिन सतर्कता आवश्यक है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि गुप्त नवरात्र केवल तांत्रिक विद्या के लिए होते हैं, इनको कोई भी कर सकता है। जिस प्रकार भगवान शंकर के दो रूप हैं, एक रुद्र और दूसरे शिव, उसी प्रकार देवी भगवती के भी दो कुल हैं, एक काली कुल दूसरा श्री कुल। काली कुल उग्रता का प्रतीक है। काली कुल में महाकाली, तारा, छिन्नमस्ता और भुवनेश्वरी हैं, यह स्वभाव से उग्र हैं। श्री कुल की देवियों में महात्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी और कमला हैं। धूमावती को छोड़कर सभी सौंदर्य का प्रतीक है। नवरात्रि की देवियां नौ दुर्गा, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुशमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। गुप्त नवरात्रि की देवियां दस महाविद्या काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी और कमला। दस महाविद्या किसकी प्रतीक है? काली समस्त बाधाओं से मुक्ति, तारा आर्थिक उन्नति, त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य और ऐश्वर्य, भुवनेश्वरी सुख और शांति, छिन्नमस्ता वैभव, शत्रु पर विजय और सम्मोहन, त्रिपुर भैरवी सुख वैभव विपत्तियों को हरने वाली, धूमावती त्रिता विनाशनी, मंगलामुखी वाद विवाद में विजय, शत्रु पर विजय, मातंगी ज्ञान विज्ञान सिद्धि साधना, कमला परम वैभव और धन। अब सुनते हैं गुप्त नवरात्रि से जुड़ी पौराणिक कथाएं।
एक बार श्रृंगी ऋषि भक्तों को प्रवचन दे रहे थे। इसी दौरान भीड़ में से एक स्त्री हाथ जोड़कर ऋषि के सामने आई और अपनी समस्या बताने लग गई। स्त्री ने कहा, उनके पति दुर्व्यसनों से घिरे हैं और इसीलिए वह किसी भी प्रकार का व्रत धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते। स्त्री ने साथ ही कहा कि वह माँ दुर्गा की शरण में जाना चाहती, लेकिन पति के पापाचार के कारण यह नहीं कर पा रही हूँ। यह सुन ऋषि ने बताया कि शारदीय और चैत्र नवरात्र में तो हर कोई माँ दुर्गा की पूजा करता है और विधि विधान में जानता है, लेकिन इसके अलावा भी दो और नवरात्रि हैं। ऋषि ने बताया कि दो गुप्त नवरात्र में 9 देवियों की बजाय 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। ऋषि ने स्त्री से कहा, इसे करने से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। ऐसा सुनकर स्त्री ने गुप्त नवरात्र में गुप्त रूप से ऋषि के अनुसार कहे माँ दुर्गा की कठोर आराधना की। माँ दुर्गा इस श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न हुई और इसका यह असर हुआ कि कुमार्ग पर चलने वाला उसका पति सुमार्ग की ओर अग्रसर हुआ, साथ ही स्त्री का घर खुशियों से भर गया। जय माँ दुर्गे। अगर आप शैक्षिक पटल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल को ऑल पर कर दें और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स पर अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार। बने रहिए शैक्षिक पटल के साथ।